अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्रोला इंडस का रिव्यू लेके आया हूँ, इसके पार्ट्स का, और साथ में मैं आपको कुछ बम्पर्स के कलेक्शन दिखाऊंगा इंडस के, और कुछ और चीज़ें आपको साथ दिखाऊंगा, उनके प्राइस वगैरह डिटेलिंग आपको बताऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाजमी बताइएगा। तो चलें, लेट्स सी, देखते हैं वीडियो। तो मुझे बताइएगा जो ऊपर वाला ये पड़ा हुआ है, ये किस मॉडल का है? ये 86 मॉडल का है। 60,000 का। अच्छा, बीम वगैरह, ग्रिल वगैरह सारा कुछ साथ होगा इसके, ठीक हो गया। और जो इससे नीचे पड़ा हुआ है, और जो ये 88 वाला ना, ये आपको मिलेगा 50,000 का। अच्छा, इसके अंदर रेडिएटर कंडेंसर वगैरह सारा कुछ इसके साथ है, ठीक हो गया इसके साथ। और जो ये नीचे इंडस का पड़ा हुआ है, ये 50 की। अच्छा, ये वाला आपको ये मॉस्कट जो पड़ा हुआ है ना इसका, इंडस का, इसमें बम्पर जो है ना, ये आप अभी आप देख रहे हैं, एक ये शेप है। उसके अलावा मैं दिखाता हूँ ऊपर कुछ ये शेप्स लगी हुई हैं, ये देखें कुछ ये शेप्स हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में इसके जो बम्पर है ना इंडस में, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आई थी, क्योंकि ये मॉडल जो है ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा यूज़ हुआ है। ये देखें, अब ये जो नोस्कट पड़ी है ना, इसके अंदर भी बम्पर आप देख लें, ठीक है। ये देखें, ये भी जो पड़ी है ना नोस्कट्स, ये भी आपको 50,000 की एक नोस्कट मिलेगी। और इसकी ये लाइट वगैरह, पार्किंग वगैरह देख लें आप, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी क्वालिटी वगैरह भी, ये देखें, ये इसकी क्वालिटी आप चेक करें, ये देखें, ये ऊपर स्टिकर भी इसका लगा हुआ है कंपनी का। और एक चीज़ जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जो जैपनीज कार्स है ना, वो बड़ी अच्छी कंडीशन में, यानी कि चली हुई होती हैं, पाकिस्तानी लिहाज से ये गाड़ियाँ बहुत साफ सुथरी आती हैं। अब इसका बम्पर देख लें, ये बम्पर है, ठीक है। अब ये जो लगा हुआ है ना इसके अंदर, ये देसी लाइट्स हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये इसकी ये देसी लाइट्स हैं, ठीक है। अगर ये आप रिमूव करवाना चाहेंगे ना, तो ये रिमूव भी हो जाएंगी, ठीक है। और इसका भी बम्पर जो है ना सेम, जो ऊपर बम्पर लगा है ये वही बम्पर है, और नीचे वाला भी ये सारा सेम है। तीनों जो बम्पर है ना नोस्कर्स हैं, इनके बम्पर सेम पड़े हैं, बस इनकी जो ग्रिल्स है ना उनमें डिफरेंस है। वो नीचे वाली देखें और ये ऊपर वाली देखें, इन सारी ग्रिल्स में डिफरेंस है, ठीक है। ये आपके सामने है, ये देखें। और अभी मैं आपको एक डिग्गी दिखा रहा हूँ, ये SC सलोन है, ठीक है, ये इसकी डिग्गी पड़ी हुई है। और इसकी मैं कंडीशन आपको दिखाता चलता हूँ, ये कंडीशन देखें, बिल्कुल साफ सुथरा, रस्ट से पाक है, कहीं से रस्ट नहीं है इसके ऊपर। ये इंडस की डिग्गी पड़ी है, ठीक है जी, ये आपको तकरीबन मिल जाएगी 7,000 की, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप एक पोशिश टाइप यहाँ पे आती है ना, नंदा वगैरह होता है, वो आपको अगर लहदा लेना चाहेंगे ना, वो 3,000 का मिलेगा। वैसे बड़ी मुश्किल है कि वो आए, ठीक है। इसके अलावा इसके मैं कुछ दरवाजों का आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये इंडस का जो डैशबोर्ड है ना, ये आप देखते चलें, ये इंडस का डैशबोर्ड लगा हुआ है, ये क्वालिटी इसकी, ये बिल्कुल जामे, इसके ऊपर कोई पेंट शेंट कुछ भी नहीं हुआ हुआ, इसका ओरिजिनल जो लेदर का ये होता है ना, ये वो चीज़ है, ठीक है। और स्विचेस वगैरह कुछ भी इसमें से माइनस नहीं है, कंसोल भी इसके साथ है, और ये देखने कंडीशन, और RPM मीटर है इसका। अच्छा, तो डैशबोर्ड जो है ना, ये वाला आपको मिलेगा 35,000 का, ठीक है, ये 35,000 का डैशबोर्ड है। उसके अलावा ये 82 मॉडल, सॉरी, हाँ, मेरे ख्याल से ये 88 मॉडल क्रोला जो है ना, ये उसका डैशबोर्ड है, ठीक है, ये भी देख लें। अब ये पंखा चल गया, बड़ी आवाज़ है पंखे की, और ये रैक्सिन इसका ओरिजिनल है, कुछ पेंट शेंट कुछ भी नहीं हुआ हुआ इसके ऊपर। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी, इंडस के जो दरवाजे पड़े हैं ना, ये दरवाजे देखें, ये दरवाजों की क्वालिटी चेक करें। अच्छा, आपको बताता चलूँ, जो हमारी XLA वगैरह आती थी ना, ये देखें, ये इसके ऑटो सिस्टम नहीं है, मैनुअल है। ये वाले आपको मिलेंगे 60,000 रुपये के, ठीक है जी। और जो ऑटो विंडो आती है ना, वो आपको मिलेंगे तकरीबन 1,00,000, 1,10,000 इस तरह से। और ये दरवाज़ों की कंडीशन आप चेक कर लें, ये चारों दरवाज़ों का सेट मैंने आपको बताया है, और ये इसके दरवाज़ों की कंडीशन आप चेक कर लें, ठीक है, बिल्कुल ओके है। और ये हाल ही सादा खोखे भी पड़े हैं, ये भी अंदर से मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ इसकी, वो चेक करें,
ये इसकी कंडीशन आप चेक करें, ये अंदर से। अगर आपको हाली इस तरह के खोखे चाहिए ना ये वाले, तो ये आपको हाली मिलेंगे तकरीबन कोई 35,000 रुपये के, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मीटर, ये इंडस का, ये देखें अभी साफ़ होने वाला, डस्ट वगैरह पड़ी हुई है ऊपर। ये इसकी फ्यूल गेज आ गई, ये स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर और ये हीट वगैरह का आ गया, ठीक है। और बाकी इसका आप ये ग्रिप वगैरह चेक कर लें, पीछे मेन जो पता होता है ना यार इसका, ये होता है मेन पता, इसका ठीक होना चाहिए। इसी के सर पे सारा मीटर है, ठीक है। अच्छा मीटर आपको तकरीबन मिलेगा 4,500 से 5,000 तक का, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल का ऑप्शन होता है, वो क्या नाम है, सेटिंग हो जाती है, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। बाकी आपको मैं एक और मीटर दिखाता हूँ, एक ये भी चेक करें, ये कलर में चेंज है मीटर के, ठीक है, ये मीटर कलर में चेंज है। और एक मीटर मैं आपको और दिखा रहा हूँ, ये भी वो ग्रे वाला सेम मीटर पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आप पे कि आपको किस तरह की चीज़ चाहिए, क्योंकि हमेशा मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, जब चीज़ के पैसे होंगे ना तो उसकी क्वालिटी भी आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आप जिस हिसाब से पैसे लगाएंगे दुकानदार आपको चीज़ भी वैसी देगा, आपको पता भी नहीं चलना। ये चीज़ें मैं आपको अक्सर बताता हूँ, इन चीज़ों का ख्याल किया कीजिए। और अब मैं आप दिखाता हूँ, ये देखें इसकी लाइट्स, ये लाइट्स इसकी देख लें, इंडस की, ये वाला सेट आपको मिलेगा 12,000 रुपये का, ठीक है, ये मुकम्मल सेट होगा। ये वाले दरवाजे पड़े हुए हैं, 86 मॉडल का दरवाज़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। जिसको भी ओल्ड मॉडल्स में जाके चीज़ें चाहिए हों इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगी। और ये देखें, ये 88 मॉडल करोला जो है ना, ये उसकी लाइट्स पड़ेंगी। ये पुरानी गाड़ी से रिलेटेड आपको जो भी सामान चाहिए ना, ये देखें इंडस की ये पीछे वाली पट्टी पूरी, ठीक है, ये पट्टी आपको मिल जाएगी। पुरानी गाड़ी जितनी भी करोला की ओल्ड मॉडल कार्स है ना, तकरीबन वो सामान आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ये देखें, ये 86 मॉडल करोला जो है ना, ये उसका डैशबोर्ड अपनी ओरिजिनल हालत में पड़ा हुआ है, ये पेंट नहीं है, ये जनमन है, ये रैक्सिंग जो है ना जनमन है। ये देखें, बड़ी बात है कि इस टाइम पे भी ये चीज़ बड़ी अच्छी कंडीशन में आपको मिल रही है। और बहुत कम चीज़ें यार ऐसी मिलती हैं। और ये चेक करें, ऑटो रोटेट जो मिरर्स है ना, ऑटो एडजस्टमेंट है ये, ठीक है। इस मॉडल में भी देखें, ऑटो एडजस्टमेंट आपको मिल रही है, ये देखें इकोन एसी, स्विचेस भी लगे हुए हैं यहाँ पे, बटन्स। बाकी आपको मीटर वगैरह इसका मिल जाएगा, कंप्लीट डैशबोर्ड भी चाहिए हो ना तो कंप्लीट करके डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। और सबसे मज़े की बात है यार, इसका जो स्टफ़ है ना, ये अपना जनमन है, किसी किस्म का पेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ हुआ इसे, सबसे मेन चीज़ ये है। और देखने वाले भी यही चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा ये कंसोल पड़ा हुआ है, ये देखें कंसोल भी आपको मिल जाएगा, ये देखें। ये फ्रंट कट्स भी पड़ी हैं, ये फेंडर्स वगैरह हैं इंडस के, ये फेंडर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अगले फेंडर ना आपको मिलेंगे 15,000 का, ये आपको सेट मिलेगा, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, आपके लिए ऑप्शन जो होती है, अगर अब ये जैसे खोखा है ना, इसके अलावा अगर आपको खाली मशीनें और डोर पोशिश चाहिए हो, तो वो आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। मशीनें, डोर पोशिश, उसकी मोटरें, उसकी वायरिंग, ठीक है, और स्विच वगैरह सारा कुछ कंप्लीट आपको ये इंडस का ना 40,000 रुपये का मिलेगा, ठीक है। और बाकी जिसको कोई भी चीज़ पुरानी गाड़ी क्या चाहिए हो, तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अगर चाहिए होगा तो, ठीक है। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसका, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसे लगी है? अगर अच्छी लगी है इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ जो बेल आइकन है इसे लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके।
और वीडियो की फीडबैक आपने मुझे लास्ट में देनी है। और इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।